नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का लनी भाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं नीरज श्रीवास्तव शुभ्री मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज हम एलसीडी एलईडी की बारीकियों के बारे में जाने। आखिर बारीकियां क्या है एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग में? हम बड़े बड़े काम तो सब कर लेते हैं, मदरबोर्ड चेंज कर लिया, डिस्प्ले बदल ली, इन्वर्टर चेंज कर लिया, पावर सप्लाई बदल दी। अब मदरबोर्ड के अंदर फॉल्ट आए, वो भी हमने लगभग लगभग रिपेयर कर लिए। किसी मदरबोर्ड में कोई पार्ट ओपन हो गया तो हमने उसको चेंज कर दिया, शॉर्ट कर दिया, जो भी किया रिपेयर कर लिया। कोई पार्ट शॉर्ट हो गया तो उसको ओपन कर दिया, यही रिपेयरिंग है। अभी तक हमने ये सीखा कि कोई भी पार्ट किसी भी चीज़ में खराब हुआ तो दो ही तरह से खराब होगा, या तो वो चीज ओपन हो गई होगी या शॉर्ट हो गई। आज आपको एक और नई चीज बताता हूं, आज हम और अंदर घुसेंगे उसके, क्योंकि जब हम बिल्कुल अंदर जड़ तक पहुंचेंगे तभी हमें फॉल्ट मिलेगा और तभी हम एक कुशल इंजीनियर बनेंगे। आखिर वो क्या है? हमने मकान बनाया, ईंट रेत सीमेंट मिलाकर मकान बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें निखार तभी आएगा जब उसमें टाइल्स लगेंगे, प्लास्टर होगा, रंगाई पुताई होगी, तभी उसमें चमक आएगी। हमारी रिपेयरिंग में तभी निखार आएगा जब हम उसकी बारीकियों को पकड़ेंगे। आखिर वो बारीकियां क्या है? अभी तक हमने देखा कि कोई भी पार्ट है दो ही तरह से खराब होता है, या तो ओपन होता है या शॉर्ट होता है। आज हम जानेंगे कि शॉर्टिंग भी दो प्रकार की होती है। कैसी? एक हाफ शॉट और एक फुल शॉट। अब ये हाफ शॉट और फुल शॉट क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। एक राजा के चार सिपाही उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया, एक सिपाही में गोली मार दी, वो मर गया, यानी वो फुल शॉट हो गया। वहां से तो वो अंदर प्रवेश कर ही जाएगा। दूसरे द्वार पर दूसरा सिपाही बैठा था, उसके पैर में गोली लग गई, वो अधमरा हो गया, बेहोश हो गया, यानी वो हाफ शॉट हो गया, मरा नहीं है, वो हाफ शॉट। तो उतनी आसानी से वहां से वो अंदर नहीं घुस पाएंगे, थोड़ा तो वो रोकने की कोशिश करेगा। बस इसी तरह कोई भी पार्ट है या तो फुल शॉट होगा या हाफ शॉट होगा। अब हाफ शॉट अगर हो गया तो हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिर ये हाफ शॉट कहां से है और कैसे है, और कैसे इसको चेक करें? अगर हाफ शॉट हो गया, जिस लाइन में जिस वोल्टेज के रास्ते में कोई पार्ट हाफ शॉट होगा उस लाइन के वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, और फुल ड्रॉप नहीं करेगा, हाफ ड्रॉप करेगा। जहां 10 वोल्ट आने हैं वहां 5 या 6 वोल्ट रह जाएंगे। अब हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कहां फॉल्ट है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको कैसे ढूंढें? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पार्ट शॉर्ट आखिर कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कि ऐसे वो पार्ट जो प्लस और माइनस दोनों के बीच में लगे होते हैं, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आईसी की सुरक्षा के लिए जो पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? या तो कोई पीएफ लगा हुआ जो प्लस और माइनस दोनों पर लगा होगा। अगर वोल्टेज बढ़े तो प्लस माइनस पर वो शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज को जीरो कर देगा, आईसी बच जाएगी। तो या तो कोई पीएफ लगा होगा, या कोई डायोड लगा होगा, या कोई ट्रांजिस्टर लगा होगा, या कोई आईसी लगी होगी। यानी चार ही तरह के पार्ट शॉर्ट होते हैं, या तो पीएफ शॉर्ट होगा, या डायोड शॉर्ट होगा, या कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, या खुद आईसी शॉर्ट होगी। तो ये सारी चीजें शॉर्ट हैं, तो हम इन्हें कैसे ढूंढें, कैसे पहचानें? इसका मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। आप सप्लाई दीजिए जिस क्षेत्र में शॉर्टिंग है, अगर शॉर्टिंग है तो 100% वहां हीटिंग होगी। आप उल्टा हाथ लगाकर देखिए कहीं कोई पार्ट हीटअप हो रहा है क्या नहीं। कोई डायोड शॉर्ट है तो हीट होगा, आईसी शॉर्ट है तो हीट होगी, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो हीट होगा। लेकिन
कोई पीएफ अगर शॉर्ट होगा तो हीट नहीं होगा, हमें महसूस भी नहीं होगा, उल्टा हाथ भी लगाएंगे तो भी पता नहीं लगेगा। तो हमें एक बात पता लगी कि किसी भी लाइन में, किसी लिंक में कोई चीज शॉर्ट है, तो अगर वो हीट हो रही है तो डायोड या ट्रांजिस्टर या आईसी होगी, और अगर हीट नहीं हो रही तो फिर वो 99.9% पीएफ होगा। अब ये तीन चीजें शॉर्ट हैं, तब तो हमने ढूंढ लिया कि गर्म हो रही थी, हमने उसको निकाला, शॉर्टिंग हट गई और काम हो गया। लेकिन अगर कोई पीएफ शॉर्ट है, उस पीएफ को कैसे ढूंढें? आज आपको उस पीएफ को भी ढूंढने का एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा। एक और नई चीज आपको बताता हूं कि कोई भी आईसी है, आईसी को दो पार्ट में बांट लीजिए, बीचों बीच से एक लाइन खींच दीजिए, एक तरफ उसका प्राइमरी पार्ट और दूसरी तरफ सेकेंडरी पार्ट, दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। प्राइमरी पार्ट यानी इनपुट वोल्टेज उसमें आए, मान लीजिए किसी आईसी में 12 वोल्ट आए और आउटपुट में उसने 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज निकाले, तो प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगी तो ये 12 वोल्ट ड्रॉप होंगे, और सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगी तो 3 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 वोल्ट, ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो हमें यह पता करना है कि आईसी में किस भाग में शॉर्टिंग है, इधर या इधर, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये दोनों की टेस्टिंग हमने देख ली। अगर सेकेंडरी भाग में शॉर्टिंग है तो प्राइमरी सेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग मिलेगी। प्राइमरी में शॉर्टिंग है तो सेकेंडरी सेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग मिलेगी। तो हमें यह पता करना है कि प्राइमरी भाग की शॉर्टिंग है या सेकेंडरी भाग की शॉर्टिंग है, भले ही हाफ शॉर्टिंग हो या फुल शॉर्टिंग हो, कुछ भी हो। अब हमने पता कर लिया कि शॉर्टिंग कैसी है, हाफ या फुल। अब इसको निकालें कैसे, इसको चेक करने का तरीका क्या है, आज आपको वो तरीका बताऊंगा। कूल टेस्टिंग में, कूल टेस्टिंग में बहुत बड़ा फंडा है, अगर आप कूल टेस्टिंग को पूरी तरह से करना सीख गए तो रिपेयरिंग के किंग बन गए। रिपेयरिंग करना बड़ा आसान हो जाता है कूल टेस्टिंग करने से, आप करके देखिए। अभी मैंने बताया कि कूल टेस्टिंग में हमें रीडिंग चेक करनी होती है, लाल पिन को ग्राउंड से लगाएंगे और काली पिन को टच करेंगे तो हमें रीडिंग प्राप्त होगी, और हॉट टेस्टिंग में काली पिन को ग्राउंड से लगाएंगे, लाल पिन को टच करेंगे तो वोल्टेज प्राप्त होंगे, इतना हम सब जानते हैं। लेकिन कूल टेस्टिंग का मैं आपको एक और फंडा दिखाता हूं जो आज से पहले किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा आपने, ये केवल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मेरा 30 साल की मेहनत का नतीजा। हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके हमें ज्ञान मिलता है, हम हर रोज नई प्रैक्टिस करते रहते हैं, आज भी नई चीज सीखते हैं, और जो चीज हम सीख गए वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे टेस्ट करते हैं इसको, इसको टेस्ट करने का तरीका देखिए। आपने ये तरीका पकड़ लिया तो समझिए आज बहुत बड़ी चीज पकड़ ली। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्केलर पीसीबी है, आज मैं आपको इसके सारे पार्ट्स चेक करना बताऊंगा, इनको कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए एक ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करें, ये पीएफ है, ये कैसे चेक करें। इन्हें चेक करने से हमें पता लगेगा कि इसमें हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, ये सही है। मैं सबसे पहले आपको सही पीसीबी की टेस्टिंग करना दिखाता हूँ, आप भी अपने एक डाटा बनाकर रखिए किसी भी सेट की टेस्टिंग करने का। कैसे करते हैं देखिए, हमने मीटर को डायोड मोड पर कर लिया, डायोड मोड पर करने के बाद मैंने मीटर के ऊपर ही स्केलर बोर्ड को रख दिया है जिससे हमें दिखाई दे। अब मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड कर लिया, यह कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर की एक पिन, इस पर देखिए 300 रीडिंग आई। अब इसको पलट कर लगाएंगे, हम काली पिन को ग्राउंड करेंगे और लाल पिन को लगाएंगे तो आई 600, ये देखिए। फिर से लगाएंगे 300, पलट कर आई 600, यानी ये बराबर नहीं आनी चाहिए, बजर नहीं बोलना चाहिए, जैसे ये बजर बोला ये नहीं बोलना चाहिए, रीडिंग आए और दोनों साइड से कम ज्यादा आए। अभी तक हमने सीखा था कि रेड पिन को ग्राउंड से लगाएंगे और ब्लैक पिन को टच करेंगे तो रीडिंग आएगी, केवल इतना सीखा था। अब हम और डीप में जा रहे हैं अंदर,
डीप में जाने के बाद हमें पता लगा कि रेड पिन को टच किया ग्राउंड से और ब्लैक को टच किया उस पॉइंट पर जहां हमें चेक करना है। तो देखिए 300 रीडिंग आई, पलट कर लगाया तो 600 आई, यानी इसमें दोनों में डिफरेंस हुआ। अब मैं दूसरी पिन को चेक करके दिखाता हूँ, रेड पिन को ग्राउंड किया, ये बीच वाली को देखिए 400 और पलट कर लगाया तो 600। अब तीसरी को चेक करते हैं, तीसरी ग्राउंड से बोली, यानी इसकी एक पिन ग्राउंड है, पलट के भी ग्राउंड ही बोलेगी। ग्राउंड को छोड़ दीजिए, बाकी दो पिनें हैं, इन दोनों पिनों की टेस्टिंग हुई। क्या टेस्टिंग हुई कि एक पिन पर रेड पिन लगाकर काली टच करेंगे तो जो रीडिंग आएगी, और उल्टा टच किया तो उससे ज़्यादा रीडिंग आनी चाहिए। कम ज़्यादा रीडिंग होगी तो वो पार्ट एकदम सही है, और अगर बराबर रीडिंग मिलती है तो शॉर्टिंग और दोनों पर बीप ग्राउंड से, जैसे इस पिन पर बीप मिली इसी तरह किसी और पिन पर भी बीप मिलती है तो वो शॉर्ट है। बीप वाली फुल शॉर्टिंग और जिसमें बराबर रीडिंग है वो हुई हाफ शॉर्टिंग, इसको हम कहेंगे हाफ शॉर्टिंग। यानी फुल शॉर्ट और हाफ शॉर्ट में हमें अंतर पता लगा। अगर कोई पार्ट सही है तो एक तरफ से कम रीडिंग और दूसरी तरफ से ज़्यादा रीडिंग देगा, दोनों तरफ से अगर बराबर रीडिंग है तो वो पार्ट खराब है। अब इसी तरह से हम पीएफ में टेस्ट करते हैं। देखिए ये रेड प्रॉप को मैंने कर दिया ग्राउंड, ये पीएफ लगाए, इस पीएफ का एक सिरा ग्राउंड से हुआ, ये ग्राउंड बोल रहा है ठीक, पलट के भी ग्राउंड बोलना चाहिए, ये बोला। अब इस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा क्या रीडिंग है। देखिए रेड को ग्राउंड कर दिया और ब्लैक को लगाया तो इस पर रीडिंग आई 400, पलट के लगाएंगे तो कम ज़्यादा आनी चाहिए, देखिए 600 आई, ये एकदम ओके है पीएफ। एक तरफ से 400, दूसरी तरफ से 600। अब बगल वाले पीएफ को चेक करते हैं, एक तरफ से 400, दूसरी तरफ से 600। इस पीएफ को चेक करते हैं, इधर ग्राउंड, इस सिरे पर 300 और पलट के लगाएंगे तो 600। यानी हमें पता लगा कि 300 और 600, 400 और 600 कम ज़्यादा रीडिंग अगर होगी तो वो पार्ट सही है, बजर बोल रहा है तो फुल शॉट है, और बराबर रीडिंग आ रही है तो हाफ शॉट है। फुल शॉट पार्ट अगर होगा तो वो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मैं आपको एक डायोड भी चेक करने का तरीका दिखाता हूँ। देखिए अब हम इसको खिसकाते हैं, ये डायोड आ गया, ये डायोड लगे हुए हैं। मैंने रेड प्रोब को कर दिया ग्राउंड और ब्लैक को टच किया तो एक साइड से 600 आए, अब पलट के लगाएंगे तो देखिए 500। इसको चेक करते हैं 600, इधर से चेक किया 0, इसको चेक करते हैं 600, इधर से चेक किया 0। यानी 600 और 0 आना ये भी सही है, 600 और 300 आना भी सही है, 600 और 400 आना भी सही है, लेकिन दोनों तरफ से 600-600 आना ये गलत है, दोनों तरफ 400-400 या दोनों तरफ 300-300 आना गलत है। ये पीएफ देखिए, इस पीएफ को चेक करते हैं, ये मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड से लगाया इस साइड 500, पलट कर लगाएंगे नहीं, ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, इस साइड वाला देखते हैं 500, अब इधर लगाएंगे 600, यानी अंतर हुआ 500। देखिए एक तरफ 500 दूसरी तरफ 600, अभी आ रहा है 400, हो सकता है सही टच ना हुआ हो। देखिए 400 और 600 अंतर होना चाहिए इसमें, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए। और दूसरा आपको मैं 100 पीएफ चेक करके दिखाऊंगा, सभी में सेम टेस्टिंग होगी। देखिए मैंने रेड प्रोब को किया ग्राउंड, इस पीएफ में ये ग्राउंड है तो ये वाला सिरा चेक करना है, इस पर देखिए 400, पलट कर लगाएंगे 500, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होने से हमें पता लग गया कि ये पार्ट सही है, और जिस पार्ट में बराबर रीडिंग आएगी वो शॉर्ट है, बराबर रीडिंग यानी हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्टिंग यानी पी बजर बोलेगा तो उसको बोलेंगे फुल शॉर्ट। फुल शॉर्ट को ढूंढना आसान है, मरा हुआ आदमी पड़ा है उसको ढूंढना आसान है, लेकिन बेहोश है उसको ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है कि ये जिंदा है या मरा है, क्या है, कौन सा है। तो हमें इसका एक तरीका है, मान लीजिए 10 पीएफ लगे हैं इधर, अब 10 में से कौन सा पीएफ शॉर्ट है, तो उस पीएफ को ढूंढने के लिए हमें एक एक पीएफ को ओपन करते हुए जाना है। मान लीजिए एक पीएफ शॉर्ट है, उसको ओपन कर दिया, अब शॉर्टिंग हटी क्या, नहीं हटी, तो दूसरा पीएफ ओपन किया, तीसरा ओपन किया, चौथा ओपन किया, और जिस पीएफ को
ओपन करने से शॉर्टिंग हट जाए, वो शॉर्टिंग हट गई, वही पीएफ खराब था। ये एक तरीका है। अब मैं आपको एक वो तरीका बताने वाला हूं जिसमें हमें ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, भले ही हाफ शॉर्ट हो भले ही फुल शॉर्ट हो। सबसे पहले एक सरल तरीका बताता हूं आपको, जिस स्केलर में, जिस मदरबोर्ड में, जिस पावर सप्लाई में, जहां भी शॉर्टिंग हो वहां आप सप्लाई दीजिए, इनपुट सप्लाई। अब इसमें मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई जाती है स्केलर में एलवीडीएस से, तो यहां से हमने 12 वोल्ट सप्लाई दी और जो पार्ट गर्म हो जाए, हम उंगली टच करके देखेंगे उल्टे हाथ की, जो पार्ट गर्म हो गया वो शॉर्ट है, उसको निकाल दीजिए। शॉर्ट है, शॉर्ट होगा, गर्म होगा, तो केवल ट्रांजिस्टर या डायोड या आईसी, इसके अलावा कोई पीएफ शॉर्ट होगा वो गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। तो अब पीएफ को कैसे ढूंढे, पीएफ को ढूंढने का मैं तरीका आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्केलर पीसीबी है और मैंने इसमें मैनुअल तरीके से ये 12 वोल्ट दे दिए, ये 12 वोल्ट प्लस और ये माइनस। अब मैं चेक करके देखता हूं, ये मैंने ग्राउंड लगाया और ये प्लस लगाया, तो इसमें 12 वोल्ट प्रेजेंट है। अब 12 वोल्ट आ रहे हैं तो एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, ये सारे वोल्टेज आने चाहिए। एक बार फिर से देखता हूं, ये 12 वोल्ट, अब देखें यहां एवीडीडी आने चाहिए, आ रहे हैं क्या? नहीं, ये 12 वोल्ट ही है यहां, ठीक है। अब देखते हैं वीजीएल यहां आएगा, नो, ये भी नहीं है, और वीजीएच चेक करते हैं यहां, ये भी नहीं है। यानी जब एवीडीडी वोल्टेज ही नहीं बन रहे तो वीजीएच वीजीएल की तो कल्पना ही ना करें, क्योंकि पहला वोल्टेज एवीडीडी होता है, उसके बाद ही सारे वोल्टेज जनरेट होते हैं। अब हम इसकी सप्लाई करते हैं ऑफ, ये मैंने एसएमपीएस को बंद कर दिया। अब हम इसमें कूल टेस्टिंग करके देखेंगे कि कहीं कोई चीज शॉर्ट तो नहीं है, अगर कोई पीएफ शॉर्ट हो या कोई डायोड शॉर्ट हो या कोई आईसी शॉर्ट हो, कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। ये मेथड देखकर हमें स्केलर पीसीबी को रिपेयर करने का तरीका पता लग जाएगा। मैंने मीटर को डायोड मोड पर कर लिया। अब डायोड मोड पर करने के बाद देखते हैं, बजर और डायोड एक ही जगह, इसमें ये बजर बोला, ठीक है। अब हम ग्राउंड पर रेड प्रोब लगाते हैं, ये लगा दी मैंने। अब देखते हैं कि कोई ये डायोड तो शॉर्ट नहीं है, 300 इस तरफ ग्राउंड, यानी ये डायोड शॉर्ट नहीं है, ठीक। ये आया 200 300, नहीं है शॉर्ट, ये पीएफ, इधर ग्राउंड, इधर रीडिंग, नहीं है शॉर्ट, ग्राउंड रीडिंग नहीं, नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इधर खिसकाते हैं, ओहो, ये शॉर्ट और ये शॉर्ट, देखिए ये पीएफ शॉर्ट मिला, देखते हैं कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये नहीं है शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, यानी इसी एरिया में शॉर्टिंग है और यहां शॉर्टिंग होगी, और देखते हैं कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं है, इधर देखते हैं, इधर सही है सब, और देखते हैं, एक लाइन पूरी शॉर्ट होगी, अगर एक पार्ट भी शॉर्ट होगा तो शॉर्टिंग सभी जगह आएगी। ओह, इधर भी शॉर्ट, इधर नहीं है शॉर्ट, यानी 1 2 3 4 5 पांच जगह शॉर्टिंग हमें मिली। अब इस शॉर्टिंग को हम कैसे पता लगाएं? एक तरीका तो ये है कि इन सारे पीएफ्स को निकाल निकाल कर देखें, इसको निकाल दिया फिर शॉर्टिंग चेक की, फिर इसको निकाल दिया फिर शॉर्टिंग चेक की। हो सकता है इस लाइन में ये जो डायोड, ट्रांजिस्टर नुमा डायोड लगे हैं, ये भी शॉर्ट हो, इनसे भी शॉर्टिंग हो सकती है, तो इन सबको निकाल निकाल कर देखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई तरीका है जिसको हम बिना निकाले चेक कर पाए? मैं आपको आज एक नया तरीका दिखाता हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ जिससे हमारा रिपेयर करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए,
ये एक पेन है मेरे पास, पेन नुमा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या है, और एक ये है रोजन पेस्ट। इस पेस्ट को हम निकालते हैं और इसका थोड़ा सा पाउडर, मैं इसको स्केलर को थोड़ा सा साइड में करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। इसका हमने थोड़ा सा पाउडर निकाला और इस पाउडर को हम इसमें भर देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया, ये डाल दिया और थोड़ा सा पाउडर भर देते हैं इसमें। इसके अंदर हीटर होता है एक, वो गर्म होगा, ये धुआं देगा, और इसका मैंने कैप लगा दिया। देखिए ये कैप लगाने के बाद मैं जैसे ही इसका बटन प्रेस करूंगा इसमें से धुआं उठेगा। देखिए देखिए, अब हम इसको प्रेस करेंगे, थोड़ी देर प्रेस करे रहेंगे तो इसमें से धुआं निकलना शुरू होगा। ये रोजन पेस्ट गर्म होगा और यहाँ से धुआं निकलेगा, थोड़ी देर में ये धुआं यहाँ से बाहर आएगा। देखिए, और जहाँ जहाँ हमें शॉर्टिंग नज़र आ रही है वहाँ हमें इसको अप्लाई करना होगा। अभी ठीक से गर्म नहीं हुआ है, ये देखिए ये धुआं निकलना स्टार्ट हुआ और हमने इसको इस पर अप्लाई कर दिया। इस पर एक धुएं की लेयर चढ़ जाएगी पूरे पार्ट्स पर, हर पार्ट पर धुएं की लेयर चढ़ती हुई चली जाएगी। इससे क्या होगा अभी हमें आगे पता लगेगा। ये सारे पार्ट थोड़े थोड़े ब्राउन ब्राउन दिखाई देने लगे, इन पर इसकी लेयर चढ़ गई। जहाँ भी शॉर्टिंग होगी, अभी देखिए कैसे हमें फॉल्ट मिलेगा 1 सेकंड के अंदर। अब सही से गर्म हुआ है ये, मैंने पूरे एरिया में इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ से लेकर लास्ट तक। आईसी पर भी कर देते हैं, शायद आईसी शॉर्ट हो, ये डीसी टू डीसी आईसी पर भी कर दिया। अब हमें एकदम से अंधे बनकर काम करना है, हमें कोई पार्ट को नहीं उखाड़ना है, और ये सभी जगह अप्लाई हो गया। अब देखिएगा कमाल, गौर से देखना आप। मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, ये पॉजिटिव सप्लाई जो मैंने 12 वोल्ट यहाँ दिया था, इसको निकालता हूँ। अब VGH वाला हमारा पोर्शन शॉर्ट है, जहाँ VGH वोल्टेज आने हैं वो जगह शॉर्ट है, तो मैं VGH वोल्टेज जनरेट करता हूँ। ये मैंने मशीन को ऑन किया और ऑन करने के बाद मैंने VGH होते हैं लगभग 25-26 वोल्ट, मैंने ये वोल्टेज जनरेट कर लिए। इस वायर में 26 वोल्ट आ गए हैं, देखते हैं एक बार मीटर में कितने वोल्ट आए हैं। मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर, नहीं 200 वोल्ट पर करता हूँ, और ये प्लस और ये लगा दिया माइनस। देखिए 25.9 वोल्ट। अब ये 25.9 वोल्ट, ये लगभग VGH वोल्टेज तैयार हुए। इस वायर को मैं इस पर टच करूंगा और जहां भी शॉर्टिंग होगी आप गौर से देखिएगा, ये PF शॉर्ट थे, 1 2 3 4, एक यहाँ 5। अब इन पांचों पर आप गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं टच करूंगा देखना 1 सेकंड के अंदर कहाँ पेस्ट पिघलती है। ओहो, मिला फॉल्ट, चोर पकड़ में आ गया, ये पेस्ट पिघली, यानी यहां फॉल्ट है। 1 सेकंड का फॉल्ट था, जिस फॉल्ट को ढूंढने में घंटों लग जाते उसको हमने 1 सेकंड में ढूंढ लिया, चोर पकड़ा गया। अब हम
इस पीएफ को निकाल देंगे और पीएफ को निकालने के बाद आपको दिखाऊंगा सारे वोल्टेज जनरेट होते हैं या नहीं। ये पीएफ शॉर्ट था, इसको हमने निकाला, देखते हैं इसको निकाल दिया। अब देखते हैं शॉर्टिंग हटी या नहीं। वापस मैं बजर मोड पर आता हूं, ये बजर कर दिया। अब देखते हैं ये पीएफ जो ग्राउंड से शॉर्ट बोल रहे थे, शॉर्टिंग हटी या नहीं। अभी भी शॉर्टिंग है इसमें, यानी एक आध पार्ट कोई और भी शॉर्ट है, अभी भी शॉर्टिंग है, यानी एक पार्ट हमने ढूंढा लेकिन उसके बाद भी अभी शॉर्टिंग नहीं गई। एक बार फिर से हम इसी को अप्लाई करते हैं। फिर से 27 वोल्ट इस पर देते हैं, देखते हैं। ओहो, ये ही शॉर्ट है। जिसका पेस्ट पिघला ये भी शॉर्ट है, इसको भी बदलेंगे। देखिए दो चोर पकड़ में आए, ये भी मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं शॉर्टिंग हटी या नहीं। अगर नहीं हटी तो फिर से हमें वही काम करना है, और हट गई तो सही हो गया, सही हो गया, रीडिंग आ गई, शॉर्टिंग गई, ये एकदम ओके हो गया। इसमें हम 12 वोल्ट देंगे तो VGH VGL सारे वोल्टेज बनेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखिए देखिए मैंने इसमें 12 वोल्ट अब वहीं दे दिए। हम चेक करते हैं, ये मैंने लगाया माइनस, और ये देखिए 12 वोल्ट जनरेट हो गए। 12 वोल्ट बने तो देखिए ABDD वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, जहाँ अभी 12 आ रहे थे अब देखिए 17 वोल्ट आ चुके हैं। ये दोनों पीएफ हटा दिए मैंने, एक ये हटा दिया और इधर वाला ये पीएफ हटा दिया है। चाहे तो हम लगा सकते हैं और ना चाहे तो ना भी लगाएं। अब देखिए जहाँ VGL नहीं बन रहा था, देखिए -8 VGL तैयार हो गया और VGH नहीं बन रहा था, ये देखिए 17 वोल्ट VGH बन गया। अब इसमें से ये पीएफ भी हटाए रखे हैं हमने, इनको भी लगा देंगे तो थोड़ा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। इस तरह हमें काम करते जाना है। तो आया समझ में लाइव फॉल्ट कैसे निकाले जाते हैं। ये एक स्केलर बोर्ड का फॉल्ट हमने बनाया, स्केलर बोर्ड को रिपेयर कर लिया, इसी तरह हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। ये रोजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस रोजन पेस्ट और इस पेन का बहुत बड़ा काम होता है। अगर आपके पास रोजन पेन नहीं हो तो आप आयरन लेकर, और ये रोजन पेस्ट का टुकड़ा एक यहाँ रखा और आयरन को गर्म करके, और इससे भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रोजन पेस्ट लगेगा लेकिन, और अगर पेन ले लेंगे तो पेन तो फिर सबसे अच्छा है। इस रोजन पेन का काम बहुत अच्छा होता है, इसको आप एक बार गर्म कीजिए। गर्म करने में ये इसमें धुआं निकला, और धुआं निकाल कर इसको अप्लाई कर दीजिए। बस ऐसे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आप सप्लाई देंगे, एक सेकंड के अंदर चोर पकड़ा जाएगा, कहाँ फॉल्ट है मिल जाएगा। तो ये है हमारा रिपेयरिंग करने का स्मार्ट तरीका। ऐसे फॉल्ट निकालते रहिए और सक्सेस होते रहिए। तो ये है दोस्तों हमारा फॉल्ट ढूंढने का तरीका। आप इस रोजन मेथड को पैनल पर ही नहीं, मदरबोर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर सप्लाई पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी मदरबोर्ड में कहीं भी कोई फॉल्ट हो, आप शॉर्टिंग चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। हाफ शॉर्टिंग है तो भी ढूंढ सकते हैं, फुल शॉर्टिंग है तो भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये तरीका कमेंट करके बताइए, और सक्सेस होते जाइए, और बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह नए नए फॉल्ट सीखते रहिए। तब तक अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।